मेरे तमाम दोस्तों बुजुर्गों आज एक अहम मौजूद के साथ हम बात करेंगे जो बहुत जरूरी और अहम है और अल्लाह जल्ला तआला ने एक महीना दिया हुआ है जो बाफ़त और रहमत वाला महीना है। फरमाते हैं इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। लिहाजा हम सबको हमारे बड़े जो हालात पेड़ हुए हैं जिस मकाम पर और जिस लेवल पर भी है उन सबको मैं यही गुजारिश करूँगा कि भाई एक दूसरे को माफ़ करो और एक दूसरे के दिल को साफ करो क्योंकि इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे और जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह जल्ला तआला ने हमारे लिए इंसान के लिए एक अहम जिंदगी अल्लाह जल्ला तआला ने बनाया है और जिंदगी आखिरत है जो हम सबको जाना है और हमें ये दुनिया से लौट कर जो वापस आखिरत की तरफ जाना है। ठीक है जहाँ से हम आए हैं उन तमाम अज़ाब से फिर गुजारिश करूँगे कि आखिरत के लिए तैयारी करना और अल्लाह जल्ला तआला ने जो नेमत की जो जिंदगी जो आखिरत की जो नेमत है वो यूं भी अल्लाह जल्ला तआला ने फरमाया है कि अल्लाह जल्ला तआला ने इंसान के लिए जन्नत बनाया ईमान वालों की और जन्नत की जो जिंदगी है वो ऐसी जिंदगी है जिसके पीछे मौत नहीं है, वो ऐसी जिंदगी है जिसके पीछे बीमारी नहीं है, वो ऐसी जिंदगी है जिसके पीछे कोई रुकावट नहीं है, वो ऐसी जिंदगी है जिसके पीछे कोई और परेशानी नहीं है, ना जो जिंदगी में जो हम दुनिया में देख रहे हैं ना कोई और है वहाँ पर। और अल्लाह जल्ला तआला ने ईमान वाले के लिए जब अपना ईमान वाला जो दर्रा बराबर ईमान वाले जन्नत में जाएगा तो अल्लाह जल्ला तआला उसके लिए 170,000 गुलाम उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा फरमाएगा और 170,000 मील मिलीमीटर उसके लिए कालीन बिछाएगा। कितना ईमान वाला अपना ईमान वाला है जो जर्रा बराबर ईमान लेकर जाएगा और जो बड़ा ईमान लेकर जाएगा तो कामिल ईमान वाला होगा तो उसके लिए अल्लाह जल्ला तआला कितना बड़ा जन्नत बनाएगा और जो ये जब ये जाते जाते उसके लिए जो फूल का इस्तकबाल करेगा तो जाते जाते अपना ईमान वाले की बात कर रहा हूँ तो जाते जाते एक चमक उठेगी वहाँ से नूर आ जाएगा तो ये जन्नत ही उसके नूर के आगे सीधा करेगा तो एक दूसरे जो गुलाम होगा उसका खादिम होगा वो कहेगा भाई उसको क्या कर रहे हो उसका मकूम बयान कर रहा हूँ वो खादिम खादिम देखेगा तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मेरा अल्लाह है तो बोले नहीं ये तुम्हारी बीवी है ये तुम्हारी जन्नत की बीवी है तो वो उठे तो उस बीवी की तरफ चलने लगेगा और आगे जाते जाते उसकी बीवी का चेहरा नजर आएगा इसका चेहरा नजर आते हुए उसको देखते ही देखते 40 साल गुजर जाएगा इतना 40 साल गुजर जाएगा ये जन्नत की बीवी है और जो दुनिया की बीवी होगा वो उससे 100 लाख गुना बड़ा होगा और यही जन्नत की बीवी अल्लाह से शिकाया अल्लाह से आज करें क्या बात बताया ये दुनिया की बीवी इतना खूबसूरत है तो अल्लाह जल्ला तआला फरमाएंगे उसका मफहूम ये कि ये दुनिया में नेक की और तालीफ की और उन्होंने नेक आमाल की हुई इसलिए इसलिए सब तुम सबसे जो है यह खूबसूरत है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गो और अल्लाह जल्ला तआला ने जन्नत में एक लड़की बनाया एक लड़की तो उन सारे जन्नती सब जन्नती उसके जब उसके देखने के लिए आएंगे इतना खूबसूरत होगा देखने के लिए आएगा और उसके दाएं और बाएं लेफ्ट और राइट में 70,000 गुलाम होंगे जो इसके नखरे उतारने वाले हैं और वो ऊर ये कहेगी जो लड़की है जिसे हम लड़की बुलाते हैं वहाँ पर उसकी ऊर ना होगी तो वो ये कहेगी उसका मफहूम है कि किधर गए वो लोग जो दुनिया में अल्लाह को राजी करके आए यानी मौत से पहले मौत की तैयारी करके आए आज मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और फिर वो कौन कौन नसीब होगा और कौन कौन नसीब होगा जो उससे शादी करेगा तो इस तरह से उठे अल्हम्दुलिल्लाह ये एक के लिए होगा नहीं ये सब के लिए होगा ये वो सब के लिए होगा जिसने मौत से पहले अपने रब को राजी करके चला गया क्योंकि फरमाते हैं कि मौत से खूबसूरत ईमान वालों के लिए मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं जिसने अल्लाह को राजी किया और मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं है जिसने अल्लाह को नाराज किया। तो मेरे भाई दोस्तों ये मुख्तसर की जिंदगी है और आगे उसको अल्लाह को राजी कर सकते लग जाए और मैंने पहले ही आरज किया कि आपने दिलों को साफ करें और रमजान का महीना है और अल्लाह का खूब अल्लाह से ताल्लुक बनाए और दोस्ती बनाए अल्लाह को अपना ऐसा बनाए जैसे कि मेरे दोस्त अल्लाह सब फरमाते हैं मेरे बंदे में तुम्हारे शेयर से ज़्यादा नजदीक है बहुत खुश करने वाला है बहुत प्यार करने वाला है जैसे माँ अपने बेटी से प्यार करता है। तो इसलिए मैं ये अपनी गुजारिश करूँगा कि अपने अल्लाह को राजी कर चले जाए यहाँ उठते ही अदब करें तो इंशाल्लाह मैं आज से ही अल्लाह को राजी करकर सारी जिंदगी किसी में भी गुजारूंगा सही नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम।